अब ब्रेन ट्यूमर जब होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये कहीं बॉडी में कहीं ट्यूमर है, कैंसर है जो ब्रेन में स्प्रेड किया है, जिसको हम सेकेंडरीज कहते हैं, या प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है जो ब्रेन के अंदर से ही उत्पन्न हुआ है। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। यदि कैंसर है तो उसमें कई तरह के कैंसर्स होते हैं, सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, और उसके कई ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितना तेज कैंसर है वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग की जाती है। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं वो कई तरह के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते, अलग अलग जगह से होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, मेनिंजियोमास होते हैं, न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, और कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं। हर एक का इलाज अपने अपने तरीके से किया जाता है। ये एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है वो ब्रेन के अंदर ही रहता है और बॉडी में नहीं फैलता, पर बॉडी का कहीं का भी ट्यूमर ब्रेन के अंदर फैल सकता है। अब ब्रेन ट्यूमर का कारण कोई नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि चोट लगी थी, या सर पे बहुत कोई दबाव है, या टेंशन है, कहीं उस या कुछ खाने से तो नहीं हुआ। तो ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके करने से जिससे ब्रेन ट्यूमर हो सके या ना हो। ये तो कुदरती होता है, भगवान जिसको दे दे उसको हो जाता है। जेनेटिक बहुत रेयर होता है कि ये फैमिलीज में रन करता है, और उसके चांसेस 1% से भी कम होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप की कंडीशन होती है जिसमें ये जीन्स में रहता है और पैदा लोगों को फैमिलीज में रन करता है। जब ब्रेन ट्यूमर, सबसे पहले तो डायग्नोज करना है, CT स्कैन, MRI स्कैन, तरह तरह के MRI की टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ब्रेन ट्यूमर्स को अच्छे से जांच करने और देखने कि कहां पर है, क्या नेचर है उसकी, किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है। एक बार डायग्नोज हो जाए तो फिर हमको प्लान करना पड़ता है कि उसकी सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए। यदि तो बहुत छोटा ट्यूमर होता है, कुछ बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जो हमारे पास एक तकनीक है साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी की। अब ये रेडिएशन के साथ हम इन छोटे ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज कर सकते हैं बिना सर को खोले हुए। उसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, पेशेंट सिर्फ काउच पे लेटता है, अलग तरह से रेडिएशन की बीम्स आती हैं रोबोट के द्वारा और पेशेंट का उसमें इलाज हो सकता है। इसका नाम साइबर नाइफ है। नाइफ इसलिए कि जो इसकी प्रिसिशन है, जो इसकी मतलब काबिलियत है कि नाइफ की तरह वो बिल्कुल छोटे से बहुत प्रिसाइज है, वहीं पर ही काटता है, वहीं पर ही एक्शन करता है। पर नाइफ होने के बावजूद ये कोई कट वगैरह कुछ नहीं है, ये बिना ऑपरेशन की तकनीक है। यदि ट्यूमर्स बड़े हैं या मेलिग्नेंट हैं तब उसमें मेनली ऑपरेशन करना पड़ता है। हमारे पास आजकल सभी सर्जरीज माइक्रोस्कोप के द्वारा होती हैं, सेफ्टी के लिए, प्रिसिशन के लिए, और ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास कई यंत्र हैं जिससे हम सेफ ऑपरेशन ये सेफली कर सकें। इसमें एक यंत्र न्यूरो नेविगेशन है। जैसे आपने देखा होगा आपकी गाड़ी का GPS है, नेविगेशन, जिससे आप कहीं भी हैं आपको पता है कि मैं इस सड़क पर इस पॉइंट पर हूँ। इसी तरह हम पेशेंट का जो MRI है वो हमारे अपने ऑपरेशन थिएटर के कंप्यूटर में डालते हैं, और उस दौरान जब हम ऑपरेशन करते हैं हमको पता रहता है कि हम उस पॉइंट में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टिप कहाँ पर है। तो ये बहुत हमें सुविधा देता है कि छोटी ओपनिंग्स करने में, सीधा ऑपरेशन ट्यूमर के ऊपर पहुँचने में, और आसपास के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को डैमेज ना करने में। इसी तरह इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है हमारे पास। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो ऐसे ब्रेन के एरिया में होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल हो या जहाँ से स्पीच का कंट्रोल हो। इन कंडीशंस में न्यूरो मॉनिटरिंग के द्वारा हम उन एरियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं और ट्यूमर निकालते समय हम सेफली इन एरियाज़ को बचा सकते हैं। और भी कई यंत्र होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं सर्जरी में। कुछ कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, जिनके साथ हम सेफली ये सर्जरीज कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारे पास एक इंट्रा ऑपरेटिव MRI है। हमारे MRI एक ऑपरेशन थिएटर में ही स्थित है, तो जैसे हम सर्जरी करते हैं तुरंत हम उसी समय MRI करके देख लेते हैं कि ट्यूमर अच्छे से निकल गया तो नहीं, कोई और कोई डैमेज तो नहीं हुआ, और कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी मॉडर्न आधुनिक यंत्रों से बहुत अच्छी तरह से आजकल ट्यूमर को, ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज किया जा सकता है। जो कैंसरस हैं उसमें बाद में और थेरेपी दी जानी पड़ती है और आउटकम कई बार अच्छे नहीं होते लॉन्ग टर्म, बट ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी अब आसानी से और सेफ्टी के साथ की जा सकती है और उतना घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है दो चीज़ों पे।
एक तो ट्यूमर की नेचर या बायोप्सी क्या आई है, यदि तो कैंसरस है तो उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि किस ग्रेड का कैंसर है, कितनी तेज़ी का कैंसर है, कितनी जल्दी बढ़ने वाला कैंसर है। यदि हर एक कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का हमारे पास इलाज नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्वाइवल इंक्रीज कर सकते हैं और कुछ केसेस में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ अच्छे रिजल्ट्स भी पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि ट्यूमर लोकेशन कहाँ पर है। कई बार ट्यूमर बहुत सेंसिटिव एरिया में होता है, जहाँ से बोलने की शक्ति हो या हाथ पैर की मूवमेंट की शक्ति हो। यदि ट्यूमर उस तरह का है तो जैसे मैंने यंत्रों से बताया, कुछ टेक्निक से हम सेफ्टी बढ़ाते हैं, पर यदि वो ट्यूमर के कारण वो एरिया डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, तो पेशेंट के में कोई हाथ पैर की वीकनेस रह सकती है। एक और चीज़, ट्यूमर में कभी भी सर्जरी करें तो एपिलेप्सी या दौरा, मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा रहता है, इसलिए हम उसको मेडिसिन के साथ कंट्रोल कवर करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो दवाइयाँ बंद करते हैं। पर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बावजूद लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं और लंबी लाइफ लीड कर सकते हैं।